Hello my dear friends, I am Dr. Waseem I. Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College Parvani, Maharashtra, India. I welcome all the viewers to the lecture series of Judicial Examination. So today we will discuss the definition of proved, disproved and not proved. तो आज के हम lecture में discuss करने वाले हैं proved, not proved and disproved की definition. उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पर एग्जामिनर ने इसके पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके साथ ही साथ प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस डेफिनेशन पे पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो एंड तक इस पर्टिकुलर वीडियो में बने रहिए. विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Definition of proved, disproved and not proved. So first of all we will discuss the definition of proved. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considered its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. So after considering the fact and circumstances before the court of law, if the court comes to conclusion that certain thing is in existence, it means the fact has been proved. अगर पूरी केस चलने के बाद अगर कोर्ट ये कंक्लूजन पे आता है कि कुछ चीज़ एग्जिस्टेंस में है, ये चीज़ एग्जिस्टेंस में है. फॉर एग्जांपल, अगर मर्डर का कोई केस चल रहा है और केस ख़त्म होने के बाद अगर प्रोसिक्यूशन अगर प्रूव करता है कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन ने ही मर्डर किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये कंसिडर होगा कि जो फैक्ट कोर्ट को जिस फैक्ट से रिलेटेड जजमेंट पास करना था वो फैक्ट प्रूव हुआ कि पर्टिकुलर पर्सन ने मर्डर किया. मर्डर किया या नहीं किया ये फैक्ट इन इशू था, अब वो फैक्ट इन इशू यहाँ पर प्रूव हो गया. व्हाई? बिकॉज द कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज दैट सर्टेन फैक्ट हैज़ इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में है ऐसा प्रूव है, तो वो प्रूव्ड के कंसेप्ट में आएगा. जो फैक्ट इन इशू था वो अगर एग्जिस्टेंस में है ये पता लग गया तो इसका मतलब फैक्ट प्रूव हो गया. सपोज यहाँ पर ये जो पर्सन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मार रहा है दूसरे को, उस पर चार्जेस है मर्डर के, देन ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, मर्डर के चार्जेस थे और वो कन्विक्ट हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? द फैक्ट हैज़ बीन प्रूव्ड. अगर जिस पे चार्जेस है मर्डर के उसको अगर सज़ा हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो चार्जेस थे उस पर्सन के, उस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में प्रूव हो गए हैं. तो कोर्ट कंसिडर किया, कोर्ट ने पूरे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करने के बाद कोर्ट कंक्लूजन पे आया कि हाँ इस पर्सन ने ही मर्डर किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स द फैक्ट हैज़ बीन प्रूव्ड, फैक्ट यहाँ पर प्रूव्ड हो गए हैं. द एग्जामिनेटर ने एक क्वेश्चन पूछा था इस पर प्रूव्ड पे, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में जेएमएफसी में पूछा गया क्वेश्चन 2012 में, और वो क्वेश्चन था अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड. कब फैक्ट को प्रूव्ड माना जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन थे, द फर्स्ट वन इज इफ इट इज एडमिटेड, अगर कोई फैक्ट को एडमिट किया गया तो प्रूव्ड रहेगा. सेकंड, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट में लिखा गया वो प्रूव्ड माना जाएगा. थर्ड, इफ इट इज नॉट डिनाइड, ऐसा फैक्ट जिसको डिनाई नहीं किया गया वो प्रूव्ड माना जाएगा. या फोर्थ, इफ इट्स एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन वुड एक्सेप्ट इट एज एग्जिस्टेंस, तो ऐसे फैक्ट का एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन को पूछा जाए या उसके सामने वो फैक्ट रखा जाए तो वो कहेगा कि हाँ 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 ये चीज़ है. ये एक, तो ये चार ऑप्शन है. अब चार ऑप्शन में हम देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ प्रूव्ड क्या कहती है, अगर रेड लाइन में हमने देखे तो इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट under the circumstances of a particular case to act upon the supposition that is it exists. तो कोई प्रूडेंट आदमी कुछ चीज़ें ध्यान में रखने के बाद, कुछ चीज़ें एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन पे आता है। हम देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल कि सिचुएशन को देखकर पता चलता है कि हाँ ये यहाँ पर ये चीज़ हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फैक्ट यहाँ पर प्रूव हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज़ वन ऑफ द। तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ डिसप्रूव्ड। So a fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considered its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it does not exist. So there is only one difference between the definition of proved and disproved. वहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट था, यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट है। अगर कोर्ट पूरे फैक्ट को कंसिडर करने के बाद ये कंक्लूजन पे आता है कि जो कहा जा रहा है वो है, तो प्रूव्ड होगा। और अगर सब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ये कंक्लूजन पे आता है कि जो कहा जा रहा था वो नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस इज देयर, इट मीन्स द फैक्ट हैज़ बिन डिसप्रूव्ड। तो ये फैक्ट डिसप्रूव्ड कहलाएगा। सपोज इफ देर इज द चार्जेस ऑफ रॉबरी लेबल्ड अगेंस्ट द पर्सन, इस पर्सन पे रॉबरी के चार्जेस लगाए गए। अब हुआ ऐसा कि ही हैज़ बीन एक्विटेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ फ्रॉम द चार्जेस ऑफ रॉबरी, लेकिन कोर्ट ने केस चलाने के बाद इस पर्सन को रॉबरी के चार्जेस से एक्विट किया, बरी किया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर उसके अगेंस्ट में चार्जेस प्रूव होते थे तो उसको कन्विक्शन होता था। यहाँ पर एक्विटल क्यों हुआ, क्योंकि उसके अगेंस्ट के चार्जेस यहाँ पर डिसप्रूव हुए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट में चार्जेस प्रूव नहीं कर सका। तो व्हेनेवर द ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय द कोर्ट, इट मीन्स दैट फैक्ट हैज़ बीन डिसप्रूव्ड। तो फैक्ट डिसप्रूव्ड है, यहाँ पर वो एक्विटल हो गया, तो यहाँ पर ये डिसप्रूव्ड कहलाएगा। अब अगर हम देखें तो प्रोबेबल क्वेश्चन जो डिसप्रूव्ड के डेफिनेशन पे पूछा जा सकता है वो है अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड, द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड वन इज कंसिडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल। थर्ड ऑप्शन इज बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन में देखिए द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। जब कभी कोर्ट को ऐसा लगे कि जो फैक्ट है वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो क्या होगा, वो आएगा डिसप्रूव्ड के डेफिनेशन में। सो ऑप्शन 1 सही है। दूसरा कंसिडर्ड इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, अगर किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा प्रोबेबल कंसिडर करता है कि हाँ इसका नॉन एग्जिस्टेंस ही होगा, ये नहीं होगा, तब भी वो डिसप्रूव्ड के डेफिनेशन में आएगा। तो अगर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं सो ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो दोनों करेक्ट कहलाएंगे। नाउ द थर्ड वन इज डेफिनेशन ऑफ नॉट प्रूव्ड। सो अ फैक्ट इज सेड Not to be proved when it is neither proved nor disproved. ऐसा फैक्ट जो ना तो प्रूव हुआ ना डिसप्रूव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो अक्यूज्ड को एक्विटल किया गया ना तो अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया, तो ऐसे फैक्ट को हम नॉट प्रूव्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर चार्जेस ऑफ रॉबरी हैज़ बीन लेबल्ड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन बट ही नाइदर एक्विटेड नॉर कन्विक्टेड, ना तो यहाँ पर उसको एक्विट किया गया ना तो कन्विक्ट किया गया। ही हैज़ बीन डिस्चार्ज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इट मीन्स द फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड, यहाँ पर फैक्ट प्रूव नहीं हुआ, ना तो उसको एक्विटल हुआ ना तो कन्विक्शन हुआ, तो इस सिचुएशन में नॉट प्रूव्ड कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्सन पे कोई चार्जेस लगाए जाते हैं और चार्जेस लगाने के बाद जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो पुलिस ऑफिसर डिस्चार्ज पिटिशन फाइल करता है और कोर्ट अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करता है। कोर्ट क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, तो ना तो उसको एक्विटल हुआ ना तो कन्विक्शन हुआ, तो इस सिचुएशन में क्या कहलाया जाएगा, द फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड। तो डिस्चार्ज होने के बाद वापस से केस रीओपन हो सकता है, तो नॉट प्रूव्ड ये था। अब नॉट प्रूव्ड पे क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में, प्रीलिम में 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन था 17 नंबर का क्वेश्चन था फैक्ट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड इज सेड जो फैक्ट नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड, ना तो प्रूव हुआ ना तो डिस्प्रूव हुआ, ऐसे फैक्ट को हम क्या कहेंगे? प्रूव्ड नहीं। प्रूव्ड कब होगा? फैक्ट प्रूव हुआ तो प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड कब होगा? जब फैक्ट प्रूव नहीं हुआ तब डिस्प्रूव्ड। और अगर फैक्ट प्रूव भी नहीं होता, डिस्प्रूव भी नहीं होता, तो वो फैक्ट कहलाएगा नॉट प्रूव्ड। तो अब हम देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन थी, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड। तो नॉट टू बी प्रूव्ड कब होगा? जब फैक्ट को ना तो प्रूव किया गया ना तो डिस्प्रूव किया गया। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया है, इन द ईयर ऑफ 2017 अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड। कोर्ट आइदर बिलीव्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट आइदर बिलीव्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्रूव्ड। कोर्ट कंसिडर्ड इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ अ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी डिस्प्रूव्ड के डेफिनेशन में आएगा। डिस्प्रूव्ड और व्हेन द फैक्ट आर नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। तो बाकी के जो तीन ऑप्शन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों डिस्प्रूव्ड के, सिर्फ फोर्थ आंसर करेक्ट है नॉट प्रूव्ड से रिलेटेड। सो दिस इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक button and share this video with your friends. Thank you very much.